बताइए जैन साहब। बिल्कुल अनिल जी, बजट का समय है और मुझे ऐसा लगता है पावर टेलीकॉम पे सरकार का फोकस भी रहेगा, तो उसी सेगमेंट से मैंने पहले भी कल एक विंध्या टेलीलिंक्स दिया था और आज एक कंपनी दे रहा हूं, वो है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि ट्रांसफॉर्मर और स्पेशलिटी ऑयल्स भी बनाता है और ASR मतलब ये कंडक्टर्स और पावर केबल्स बनाती है। सो ओवरऑल मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में और बहुत जबरदस्त ग्रोथ कंपनी ने दी है पिछले कुछ सालों में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मुझे इसके जो वैल्यूएशन जो बहुत सस्ते लगते हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली जब 2017-18 में जो मिड कैप स्मॉल कैप की जो ड्रीम रैली आई थी, तब ये स्टॉक 850 तक के लेवल्स पे गया हुआ था और आज जब निफ्टी इतना ऊपर आ गया है और इतनी जबरदस्त ग्रोथ पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने दिया, उन लेवल से कम डबल हो चुका टॉप लाइन भी, फिर भी ये कंपनी आधे भाव पे अवेलेबल है 363 के लगभग, तो 15 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है। जो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है वो सिर्फ 1.12 है, डिविडेंड यील्ड करीब 2.6% के लगभग है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का कैगर करीब 22% और पिछले 3 साल के सेल्स की कैगर करीब 15-16%। तो इन सबको देखता हूं तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है और सबसे इंपॉर्टेंटली इस स्टॉक में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो करीब 60% लगभग है प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग, FIIs करीब 5-6% के लगभग होल्ड करते हैं, DIIs 21% के लगभग करते हैं एंड गवर्नमेंट का भी एक छोटा सा 0.23% है। सो ओवरऑल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है कि इन लेवल्स में बहुत अट्रैक्टिव है, रिटर्न नंबर्स बहुत फैंटास्टिक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी करीब 28-29 के लगभग है। तो इन सब फंडामेंटल्स वाली कंपनी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए और मुझे लगता है 450 के टारगेट्स आराम से अचीव करेगा आने वाले 6 से 9 महीने में। ओके, तो आने वाले 6 से 9 महीनों में आप 450 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं अपार इंडस्ट्रीज। बजट के लिहाज से भी यहां पर आपको रखनी है नजर। छोटा